हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सौंदर्य.com। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास एवं अमेजिंग हेयर रेमेडी लाई हूँ जो आपके ड्राई स्कैल्प एवं ड्राई हेयर की प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक दूर करेगा। अभी विंटर का मौसम है दोस्तों, तो हमें ड्राई स्कैल्प एवं ड्राई हेयर की प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रेमेडी लाई हूँ, जिसका यूज़ आप यदि करेंगे तो आपको इस ड्राई हेयर एवं ड्राई स्कैल्प की समस्या से बहुत ही अच्छे से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही आपके हेयर बहुत ही ग्लोइंग, सिल्की, सॉफ्ट, स्मूथ एवं लश्चरस भी लगेंगे। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के रूप में हमें पहले 4 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल लेना है एक बोल में, फिर हमें 1 टेबल स्पून ऑफ हनी लेना है। हनी एक मॉइस्चराइज़र का काम करती है जो हमारे बालों को सॉफ्ट एवं स्मूथ बनाता है। 1 टेबल स्पून और फिर 1 टेबल स्पून लेमन जूस लेना है। लेमन जूस एक ब्लीच एजेंट है, नेचुरल ब्लीच एजेंट है जो हमारे डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। फिर हमें 1 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल हमारे हेयर को हाइड्रेट एवं मॉइस्चराइज करता है। अब हमें विटामिन ई कैप्सूल, पूरा एक विटामिन ई कैप्सूल लेना है। विटामिन ई कैप्सूल आप सभी जानते हैं हमारे प्रीमैच्योर एजिंग को रोकता है, स्प्लिटेड्स की समस्या को दूर करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट एवं स्मूथ बनाता है एवं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एलोवेरा एवं विटामिन ई आपके हेयर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे तरह से बोल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिक्स किए हुए पेस्ट को हमें अपने ड्राई स्कैल्प एवं ड्राई हेयर पर अच्छे से लगाना है। इसे लगाने के बाद हमें एटलीस्ट 15 मिनट्स बा 20 मिनट्स तक इसे छोड़ देना है। फिर हम जैसे नॉर्मल शैम्पू से शैम्पू करते हैं, उसी तरह से हम शैम्पू कर लेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आप दोस्तों, आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ एवं ग्लोइंग बा शाइनी लग रहे हैं। अगर आप इस रेमेडी को वीक में एटलीस्ट 2 to 3 times करते हैं तो आपके जो ड्राई हेयर एवं ड्राई स्कैल्प की समस्या है उससे बहुत हद तक आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही आपके बाल बहुत ही हेल्दी भी रहेंगे, शाइन करेंगे एवं बहुत ग्लो भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।